और ये फुल मजा लेते हुए स्नोफॉल का। अब असली वाली स्नोफॉल हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रश्मि खान। तो आज जा रहे हैं हम शिमला। हमारे साथ कौन कौन है? एक है हमारे अदनान भाई, आलम भाई, और आज निकल रहे हैं हमारी फ्लाइट, मतलब फ्लाइट की सॉरी चल झूठा हमारी ट्रेन का टाइम हो गया 9:10 पर ट्रेन निकली है। गाइस हमारी कंफर्म हो गई है, मतलब कहाँ पर है ट्रेन? तो ट्रेन आज रूम में चली गई, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है हमारी, शायद मेरा ही अकेले का इंतजार कर रही है। तो हमारा इंतजार कर रही है, मैंने फोन कर दिया था, मैंने लेट निकलेंगे थोड़ा सा भाई, ठीक है? क्या है, क्या औकात क्या तेरा? गाइस 2 घंटे लेट है हमारी ट्रेन हमारी नहीं, सरकार की है। हाँ सरकारी ही समझ, मतलब टिकट हमारे तो वो हमारी है, ऐसे तो हम नहीं खर्च करें फुल, सरकार ने कोई ना करे। तो हम सोच रहे हैं कुछ खाई आए यार, 2 घंटे खाई आए हैं, एक बार हम रील बनाते हैं अपना, ये मिनट तो गैर बनानी है, खाना वाना खा कर आते हैं। आलम भाई बड़े उदास से लग रहे हैं, अलग सीट मिली है तो मुंह ऊपर गाड़ी लेकर आएंगे। हमारे में स्प्लेंडर, दारू में ब्लेंडर, बाइक को स्प्लेंडर, यही दो बंदे बताते हैं। कैसे देखा यार, तो भाई का मुंह ऊपर यार, सबसे अलग सीट मिली है तो इनकी थोड़ी सी, समझ रहे हो ना आप, थोड़ी सी हो रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, अरे थोड़ी सी बात कर रहा हूं। इन्हें डब्बा ही हमसे 3 डब्बे आगे का मिला है। हां डब्बा भी 3 डब्बे आगे मिला है। इंसाफ से ये भाई, इंसाफ लूंडे को इंसाफ तो कोई बात नहीं, पीसी आ रही है इन्हें लेने, इसे बैठ के जाएंगे क्योंकि 3 डब्बे आगे बैठेंगे नहीं। ये फाइनली कंबल भूल गए थे, ये भी मंगा लिया, कंबल मंगाया हमने और शूज, यहाँ पापा पापा का। फाइनली गाइस हम तो ट्रेन में आके पछता रहे हैं और कुछ नहीं है। 11:57 अभी 11:57 की डेट हो चुकी है, इससे पहले कितने की थी? इससे पहले की थी 11:30 और आ चुका अपना छोटा वाला भाई, क्योंकि मैं थे तो भाई करवा दिए, 2 घंटे लेट करवा दी इसके चक्कर में, छोटे के चक्कर में अपने, वरना हमारी ट्रेन नहीं 2 घंटे का 3 घंटे 3 घंटे लेट करा दी भाई। हमारी ट्रेन थी 9:10 पर, 12 बजे हम पक चुके हैं, खाना भी खा लिया, सब कुछ कर चुके हैं, वॉशरूम भी हो गया, सब जगह हो गया, थोड़ा हफ्ता खराब हो रहा हमारा। गाइस इन्हें लग चुका है सदमा, ये बिल्कुल भी नहीं हंस रहा है यहाँ बैठ के, भाई ये रो रहा है बहुत ज़्यादा, 3 डब्बे आ गए भाई, सोच रहा है हमारा इसका, पर टेंशन मत लो मेरे भाई, ये छोड़ेंगे नहीं हम अकेला, अपने साथ लेके जाके कुछ हम, जो थारा भाई जोगिंदर, जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, बवंडर ला दूंगा बवंडर। तो हम तुझे लेकर जाएंगे साथ, टेंशन मत ले, ठीक है? तो फाइनली गाइस हमारी ट्रेन अभी भी नहीं आई है, ये जो आप देख रहे हैं दूसरी ट्रेन है, हमारी जो आएगी वो इस साइड आएगी, कुछ नहीं है, 15 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा गाइस। 12:01 टाइम शो हो रहा है और 12:10 10 चुम्मी खा जा रहे हैं गाइस। अभी बच गया, गिर जाता अभी अभी। फाइनली गाइस हमें मिल चुकी है ट्रेन, तो अपने भाई हैं अभी मिले थे हमें, तो कैसे हो बताओ, कैसे हो यार, ब्लॉक चल रहा है, क्या हो गया? मेरे को तो मिल चुकी है ट्रेन, अरे मेरे को बुला रहा है, ये रहे अपने आलम भाई, इनकी सीट कहीं हो रही है लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लिया है, गरीब का बच्चा भी समझ रहे हो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। तो भाई टिकट चेक हो चुके हैं, स्टार्ट टू माय जर्नी शिमला। ये रहा टी 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 टी
किसी ने बहुत तेज नींद आ रही है भाई को। फाइनली गाइज एक मतलब डेढ़ बज रहा है तो हम आए तो घर टहलने ऐसे ही बड़ा हरामी हो तो यार कोई भी नहीं मिला सिवाय इनके अकेले तो कुछ भी नहीं मिला। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं कालका। ये रहे हमारे साथ के बंदे, ये सो सो बोल रहे हैं। ये रही अपनी पीछे वाली ट्रेन। अभी से बाय बाय करने का टाइम हो गया, अभी से करते हैं बाय बाय बाय। अब मिलते हैं बाद में, अब मिलते हैं हम बाद में। क्या घूम रहा है क्या उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तो अतला। आ उ ई या या या। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या बोली, तेज लगा के लगाओ, कोई पहचान ना। इनके 50 मिलियन फॉलोवर्स है ना, इसलिए से कोई पहचान ना ले इन्हें, इसलिए से मास्क लगा के बैठे। देखो भाई मैं चलू लड़के टिकट लेकर आऊँ मैडम से। देखो ये हाथ पढ़ाई थी मेरे से पहले भाई, हमारा भाई टिकट लेकर आ चुका है, अब हम कालका से जाएंगे डायरेक्ट शिमला। बस एक दोस्त कभी बताओ यार, वो जनरल डब्बे का टिकट मिला, उसमें सीट घेर भी पड़ेगी। अब हम को सुबह 8 बजे वाली गाड़ी है और हमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटा वेट। अब हम करेंगे जिसका रुमाल उसकी सील। तो फाइनली गाइस इनके पोस्ट देख चुके हो तुम। एक बार और पोज दिखा दे, पोज इनके पोज दे वो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। किसके पोज ये पोज किसके दे वैसे? आलम को पोज बताओ, आलम मेरे को आलम। तो फाइनली गाइस दिन निकल चुका है, क्या शानदार व्यू आ रहा है यार, ऑसम व्यू देखो, व्यू क्या शानदार व्यू आ रहा है। हाँ भाई आलम भाई आ रहा है क्या, आ रहा है व्यू ये पीछे। जाओ फाइनली हमारे ट्रेन है गाइस, तो ट्रेन देख लो आप कितनी बड़ी है ये। चार एक दो तीन चार 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 ही डब्बे हैं, चार डब्बे समझ रहे हो आप, चार डब्बे हैं बस सिर्फ इसके अंदर। समझ रहे हो ना, परेशान है पब्लिक, घूम रही है ना बेचारी, है बहुत परेशान है बेचारे। देखो बैठ, हम खुद ऐसे ही बैठे भाई, बहुत परेशान हूँ। कैब को तो बैठा दिया छोटे वाले भाई। फाइनली गाइस ट्रेन निकल चुकी है हमारी, देख ले भाई टांग दुख जाएगी, 5 घंटे ना खड़े खड़े जाना है। ये तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, उन लोग की वजह से नहीं जा रहा। ये देखो ये लोग काल का बाय बाय, सॉरी सॉरी। व्यू देखो कितना गिड़ा रहा भाई। Hey!
फाइनली हम शिमला पहुंचने वाले हैं। इधर अश्मीर भाई सो रहे हैं, उधर आलम भाई सो रहे हैं और कैब और मैं अभी सो के उठे हैं और बाकी आगे रेलवे स्टेशन पे आके बताते हैं कैसा रहता है। तो फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके हैं शिमला। काफ़ी देर के बाद हम यहाँ पर आए हैं, कम से कम 12-13 घंटे हमें सफ़र करते हुए हो गए और 4-5 घंटे हमने स्टेशन पर बिताए थे। और ये देखिए हमारा ठिकाना, अब हम जाएंगे यहाँ से होटल। और अभी हमने होटल भी नहीं लिया है, जाके देखते हैं होटल के मसले बैठता है। हमें मिल चुका है होटल, तो ये देखो होटल का व्यू, का व्यू बाहर का, बड़ा महंगा होटल पड़ा है। तो अभी खाते हैं हम खाना, खाना खाने के बाद में। फाइनली गाइज हम हो चुके हैं तैयार। तो ये हमारे कपड़े क्या पहने हैं आज हमने, वाइट पैंट, ब्लैक बेली, ब्लैक शर्ट, ब्लैक जैकेट और ये, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे होगे आप। तो ये अपने आलम भाई, आलम भाई भी फुल तैयार हैं आज। आलम भाई चले क्या माल रोड? तो ये आलम भाई थे, हमारा होटल सॉरी रूम तो अपना बन दिया, हमने अपना दिखाया नहीं आपको। तो ये हमारा रूम है, तो रूम देखो बढ़िया है वैसे मेरा। आजा थोड़ा भाग का भी बैकग्राउंड दिखा देते हैं। तो ये अपने अदनान भाई, केब भाई, तो अपना व्यू देखो भाई कितना मस्त आ रहा है, तो मज़ा आने वाला है। चलते हैं माल रोड, माल रोड पे मिलते हैं चलकर, ठीक है भाई, चले अदनान भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो। ये अपना होटल है कुछ ऐसा, अब जा रहे हैं हम माल रोड, तो मिलते हैं आपसे माल रोड पर जाकर। फाइनली गाइज हम निकल चुके हैं रूम में से बाहर, अब चल रहे हैं हम पहाड़ियों पर। तो ये मंदिर है, जो मंदिर का हमें नाम भी नहीं पता, तो देखो आप मंदिर, तो गाइज ये मंदिर है, तो ये मंदिर है लेकिन नाम नहीं पता हमें कौन सा मंदिर है। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर कौन सा है। वैसे ये कुछ ऐसा है बाहर से, बाहर से तो कुछ ऐसा है, मस्त है वैसे भाई, लो दिखा। तो भाई देखो ये है मंदिर, श्री राम मंदिर। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं माल रोड। आप सोच रहे हो हम सांस क्यों फूल रहा है मतलब भाई, तो आपको बता दें हम इतनी सीढ़ी चढ़ कर आए जिसका कोई हिसाब नहीं है, पर अब जाके माल रोड पर हम आ गए। ठंड बहुत हो रही है। तो ये अपने मिर्जा भाई सर, सब मजा में। हाँ फाइनली गाइस हमने फोटो वोटो खींच लिए यहाँ, अब जा रहे हैं हम कहाँ पर अदनान भाई? कैंडल पॉइंट, कैंडल पॉइंट जा रहे हैं। गाइस तो मुझे इतिहास है जो हमें नहीं पता, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, पता यूट्यूब पे सर्च करके अगर आपको पता लगे क्या है तो कमेंट करके बता देना, हमें हम भी समझ जाएंगे। तो ये देखो झरना कितना शानदार है, साथ में कहा तो तू फोन कर लेना भाई, भाई PCR आ रही है मुझे लेने, पर मैंने किधर टाइम नहीं मेरे पास, आधे घंटे बाद आना, तो कह देगा ठीक है सर फोन कर देना, आ जाओ बस 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 जलवा है हमारा। ये जिस चर्च पे जा रहे हैं ये 3 Idiots मूवी की शूटिंग हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ आमिर खान आ चुका है पहले। उसके बाद चलते चर्च, वो अभी हम सुबह आएंगे मतलब लॉजिक की मार। और ये भारत के अटल बिहारी जी की मूर्ति, और ये हमारे भाई अश्मीर, और मैं थोड़े से थोड़ा सा इनका फेस जो क्लियरिटी में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और
ये देख रहा है तो बहुत मजा आ रहा लोकेशन। ये वाला गेट बंद है चर्च का, ये वही चर्च है जहाँ पर थ्री इडियट की शूटिंग हुई थी और आमिर खान के दोस्त। चर्च के दोनों गेट बंद है, दोनों गेट बंद है चर्च के। सुबह आके दिखाते हैं, दिखाते हैं यहाँ का व्यू थोड़ा नज़ारा। तो फाइनली गाइस लोग को करते हैं हम एंड, क्योंकि हम दिल्ली से निकले थे 8 बजे घर से, 9:10 की हमारी ट्रेन थी, तो वो तो मिस हो गई। मिस क्या हो गई मतलब 3 घंटे लेट हो गई, तो वहाँ से 3 घंटे बाद मतलब 12:10 वो वहाँ से चली थी। तो हमें उतारा है सुबह 6 बजे कहाँ पर, कालका। तो कालका से हम बैठे शिमला के लिए, शिमला उतारा हुआ 2 बजे, तो 2 बजे से लेकर मतलब सोए नहीं हम, ना आलम भाई सोए ना मैं सोया, ठीक है ना अदनान भाई सोए, तो अभी तक किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई है। और वैसे भी लोग बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि आपको पहाड़ियों का व्यू भी दिखेगा वीडियो के अंदर बहुत सारा। इन्जॉय करो वीडियो में, और तब तक के लिए अगर मतलब नेक्स्ट पार्ट आएगा कुफरी का और चर्च का या अगले पार्ट में चलेगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो और लाइक करो।